विरह के प्रेमी प्रिय श्रोता बंधुओं, मैं छविलाल पाल भीटी अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश आपके बीच भक्त पूरनमल का भक्ति प्रसंग भेज रहा हूँ। लेखक हैं हमारे परम पूज्य परम गुरुदेव श्री माधव राम यादव, श्यामचरित मानस महाकाव्य के रचनाकार भी हैं, पैशन स्टूडियो के माध्यम से माननीय रही जी के सौजन्य से भेजा जा रहा है। और इसके पहले सीता सुगना संवाद, बेला ब्रह्मा का विवाह, आला सोनमती का विवाह, राम हनुमान युद्ध भेज चुका हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 95 54 10 33 90। धन्यवाद। अब विरह सुनिए। जय जय जग जननी जगदम्बा, मैं फिल बीचे धरूं कदम्बा, माता कहवा किहू बेलम्बा, अम्बा पार लगावा परी भंवर में ना। परी भंवर में नैया मैया कहवा किहू बेलम्बा जी, कसे सितारा हंस बाहिनी कूदिपरा जगदम्बा हो, जब जब समय पड़ी बालक पे राखी आए धर्म्मा हो, बास करा हृदय मा हमरे पकराया कलम्मा हो, सायर माधो राम के दहने खड़ी रहा हरदम्मा हो। सीताराम के चेला तन कौन करे भरम्मा हो, लिखे निराला ज्ञान छान मौजा बन मई मकम्मा हो, उत्तर पावर हंस आए लहरे बिजली के खम्भा हो, दक्षिण सीता कुंड ताल में खिलता कमल यगम्मा हो, माधो राम के चेला मैं फिल बीच खड़ा निभरम्मा हो। हृदय मा हमरे प्रगट होई जाय अम्बा हो, प्रगट होई जाय अम्बा, अब आगे के करी बयान सुना, हाल कही पंजाब देश के पंचोधई के ध्यान सुना, संकपति पंजाब देश के भूप दया निधान सुना, जेकर रानी अम्बा दे हैं रूप सील गुण खान सुना। के पीछे मां रहा एक संतान सुना, नाम रहा पूरन मल जे के रहा रूप के खान सुना, 60 बरस के संखपति भय अब तो उम्र बुढ़ान सुना, दूसर ब्याह रचावे राजा होनहार बलवान सुना। ए भैया, पंजाब देश के राजा संखपति के उम्र 60 साल बा, और देखा 16 साल के रानी से ब्याह करता है, धनुष बाण चलावे में बड़ा निपुण रहे भैया, धनुष के बल से देखा राजा शंखपति रानी फुलंदे का जीत लेता है, तो देखा दोनों जनक के ब्याह होत बा कैसे भैया, लटका में कहना है। होनी आंख पे पर्दा डाए, होनी आंख पे पर्दा डाए, अरे राजा दूसर ब्याह रचाए, रानी फूलंदे का लाए, सैलानी ना रानी फूलंदे का, पाक गए मुड़े के बाल, अरे दिल में सोचे ना महिपाल, रानी 16 साल के चढ़ी जवानी ना रानी 16 साल, जवानी ना रानी 16 साल के चढ़ी, जवानी ना रानी 16 साल के चढ़ी, जवानी ना रानी 16
के चढ़ी राजा गए मिले की तैया। अरे रानी कहे पकड़ के बहिया कह भाई एक बात हम सैया लिया मानी ना कह भाई एक बात हम जब फुलंदे रानी भैया आई राजा के घर में एक औरत का देख करके फुलंदे रानी घबराएगी कहे से कि मामला है सवतिया झार वाला फंसा था। ए भैया तो राजा शंखपति से देखा फुलंदे रानी रात में का कहा थी राजन माना मोर सलाह अरे घर में है सवति कई डाह टेढ़ी कई की चले निगाह दुख समानी ना टेढ़ी कई के चले है समानी ना टेढ़ी कह के चले निगाह दुख सवतिया देखी देखी के जरे और हमसे रातों दिन वा झगड़े कबले सव सव से सपरे जिंदगानी ना कबरे सव सव से यही के लावा अरे हम का अलगे महल बनावा चल के मौजूदावा राजा यही जवानी ना चल के मौजूदावा जवानी ना चल के मौजूदावा बहुत तरह से भैया समझाए बुझाए के फुलंदे रानी राजा शंखपति के अपने बसमा कह लेते हैं। ए भैया रानी फेंक दे बा जाल अरे फंस गए जाल बीच महिपाल सके बतिया न टाल ले हे मानी ना सके बतिया न हो सवेरा राजा आए अरे मंत्री से सब हाल बताए शंख मरमर का मगाए बहु खानी ना संग मरमर तो पड़ी गए ने हो तब हिंसार अरे बन के महल भवा तैयार धो जाया गना मझार लहरानी ना धो जाया अरे राजा भय खुशी माचूर गए रानी के हजूर बरदानी ना गए राजा कहाँ हुआ तैयार अरे महल बनाबा नक्शेदार चल के अब करा बाहर दिल जानी ना चल के अब करा दिल जानी ना चल के अब करा बाहर दिल बढ़िया महल बनवाए के अलगंटे बाबूजी देखा फुलंदे रानी से राजा आए के बताएं कहें चला तोहरे लिए महल अलगे बनवाए देहन कहना है बन के महल तैयार भवा अब चल के करा बहार सुना सुन
सुनके बतिया महाराज के रानी भय तैयार सुना पहुंची जाए के महल के अंदर फूलंदे सुकुमार घूम घूम देखे महलो माया आई नई बहार सुना तर्क खुशबू पूर्वा बाहे बयार सुना सब सुख मिलाया है रानी का संकपति दरबार सुना एक बात का फूलंदे की चिंता यह अपार सुना है संखपति भय 60 साल के रानी अब कुमार अम्बा पार लगावा परिभवर में भैया बुढ़ौती में तो बियाही की जरूर लाए लेकिन भैया आगे देखा बड़ी गड़बड़ कहानी बा ए भैया जोड़ा तो बहुत बढ़िया लाग गया राजा 60 साल के रानी 16 साल के तो दोनों जने के देखा बीतत कैसे बा बुढ़वा बलम उठे ना दर से रानी चढ़ी जवानी तर से भीजे अंग अंग रस बरसे कर से मूड पकड़ के फूलंदे पछीता फूलंदे पछिता तो महल मां कैसे कटे उमरिया हो लाए बियही भवन बैठाए पियान लेहे खबरिया हो चढ़ी जवानी रस्मा भीजे फूटे बदन लवरिया हो आग लाग गए करम में पागल भय बाप महतरिया हो सारी रात के मरिया हो पड़ी सेज पे दहिया तोड़े पिया के लखे डगरिया हो कबो भूल माँ चला जाए तो कहरे पकड़ कमरिया हो आग लाग रानी के तन मायंग फुटे लवरिया हो जैसे पानी बिना ताल माँ तड़पे पड़ी मछरिया हो वैसे दिन रानी के बीते व्याकुल भई गुजरिया हो पहली रानी के लड़का पूरन के सुना खबरिया हो चले बगीचा घूमे तैया पूरन के तैयारिया हो बैठे घोड़े पे पूरन मल पहुंच गए फुलवरिया हो चंपा गमक रहे चहुवरिया हो बैठी अंटा पे फूलंदे लखे बाग की वरिया हो पड़ी अचानक महारानी के पूरन मल्प नजरिया हो देख सुरतिया पूरन मल के पागल भई गुजरिया हो लगते रह गए पूरन मल का लाग कलेजे तिरिया हो दिल में बस गए पूरन के तस्वीरिया हो लौटे पूरन जब बगिया से चले महल की वरिया हो गासा खाई गिरी पलगे पे रानी महल भीतरिया हो खोल झरोखा उठ उठता के कहवा गया संवरिया हो सायर माधो राम लिखे भैयन के ताबे एक दिन संजोग के बाद देखा पूरन मल बगीचा में बाबूजी टहले गए रहे और संजोग से अपने अंटा पर से फूलंदे रानी देखत रहे और जब पूरन मल का देखी भैया तो मोहित हो गई एकरे पहले पूरन मल का ना देखे रही जब अपने अंटा पर से देखी तो पूरन मल पर मोहित हो गई और जब पूरन बगिया से अपने अंटा पे यानी घर चले आए तो देखा फूलंदे रानी व्याकुल हो गई तो कैसे गावत थे भैया आए हरे राम महल के भीतर आए
हेरे राम महल के भीतरा व्याकुल होई गई माया नवा महल के भीतरा लड़ी गए पूरन से नया नवा महल के भीतर देखी बगिया माँ पूरन का फूलन दे महारानी मोहित तो भय बेटवा के ऊपर अरे रानी भाई दीवानी धानी सोचई अपने मानवा महल के रति के पति कामदियो या रंभापति सुरराज बसी सुरतिया दिल में रानी अरे छोड़ी लाज लिहाज आज डोला बाई मानवा महल के भीतरा भैया अपने अंटा पे चलाए लेकिन फुलंदे रानी उनके बिना तड़फड़ा तही और कैसे तड़फड़ा तही कहां चला गए निर्मोहिया तई के हम कादर सनवा चढ़ी जवानी रस में भी अरे अंग अंग चढ़े मदनवा जनवा लई गए बेईमानवा महल के भीतर गिरी पछाड़ा खाई किरानी कहाँ गया निर्मोहिया चढ़ी जवानी मत के मारी अरे ताको तोहरी रहिया मुरहा देबे कब दर्शाना महल के भीतरा देखा भैया जहां तक बर्दाश्त कर सकी कहीं एकरे बाद प्रेम में पागल हो गई और तुरंत दासी का बुलाई के बाबूजी देखा का बताओ तही लटका में कहना है भैया बाबा कहना है कि रानी हाथ मीज पछितावे अरे पूरन मल कई आदि सतावे झटे दासी का बुलावे आधी रतियाना झटे दासी का आधी रतियाना झटे दासी का बुलावे आधी दासी
दाखिल हो ही गया है। अरे रानी गई गले लपटाए, बिगड़ा काम दा बनाए मोरी सखिया ना, बिगड़ा काम सवार। अरे आए बगिया मा दिलदार, लड़ गए राजा से हमार सखिया किया ना, 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 लड़ गए राजा से हमार सखिया किया ना। सैया से मिलाए, अरे नाही जियरा देव गवाए, गए हिया मा समाए परदेसिया ना, गए हिया में है परदेसिया ना, गए हिया में समाए परदेसिया ना, गए हिया में समाए। देखा भैया बतावत है कि कैसे उनके सकल सूरत रही, जुल्मी बालम के नयनवा, अरे चमके चेहरे पे ना गिनवा, दोनों अठवा जैसे या मावा के फाकिया ना, दोनों अठवा जैसे झलक दिखाई गए निर्मोहिया। अरे बैठी यही निहारत रहिया, लागे मोहिया मैं निहारो जब से बगिया मा, लागे मोहिया मैं जब से बगिया ना, लागे मोहिया मैं निहारो जब से बगिया ना, लागे मोहिया मैं निहारो। इस सब बात सुन के भैया दासी तो समझ गए, दासी समझत बा कि पूरनमल के अलावा और क्यों ना रहा, ये तो मामला बड़ा गड़बड़ होत बा। तो दासी समझावत बा भैया, दासी कहे सुना सरकार, अरे रहे वे पूरन मल सरदार, सगे बेटा वा तो हार, लागे सखिया ना सगे बेटा वा, कहे रे महारानी का बताई तो बड़ा गड़बड़ बा, जे के तू बात करत यहा, जे पे तू लोभानी हा, वे तो तोहार बेटवा लागे तोहरे सबत कलरी कारानी, अरे जकरे ऊपर भयो दीवानी, बाटी बेटे पे लुभानी मारी मातिया ना, बाटी बेटे पे पूरन का बेल मैबू, अरे नरको माना ठेकान पैबू, रानी कूली के कटाई ले बुन किया ना, रानी कहीं महारानी का बताई हुए तोहरे सवत के लड़का जेकर नाम पूरन मलबा, वही पूरन मल रहे तोहार बेटवा लागे, ये स्नेत न बिगाड़ा। लेकिन कहना है कि तोहरे ना ही शरम योहानी, अरे बाटू बेटे पे दीवानी, लागे आग यही जवानी पड़े चकिया ना, लागे आग यही शरम योहानी, अरे बाटू बेटे पे दीवानी, लाग आग यही जवानी पड़े चकियाना। तो रानी कहा न पढ़ा पुराण, अरे सवद के लड़का पिया समान, हमरे दिल में समान ब्यासुरतियाना, हमरे दिल में है देखा भैया बेटवा लागे, लेकिन वहाँ पे ध्यान ना देते हैं, वे प्रेम में पागल भय हैं, लेकिन कहत कहा है दासी का डांटत ही कि हमका विद्या ना सिखलावा, हमका हर वहर जिन पढ़ावा, अब हमारे मन में जोन बात आएगा ऊपर हुए के बाद
तो हमारे प्रेमी का बलाय दा। लेकिन कहना है कि हमका विद्या ना सिखलावा, अरे हमारे तन के तपन बुझावा, लाए बालम से करावा मूला कतिया ना लाए बालम। सोवत मोर जवानी जाग, अरे अखिया पूरन मन से लाग, सखी काटे लागी देहिया में दातिया ना, सखी काटे लागी इतने ना भैया। रानी इश्क के बनी मरी, रानी इश्क के बनी मरी, अरे चीन है ना बेटवा भतीज, जवानी ऐसी चीज भूल गई जतिया ना, जवानी ऐसी चीज भूल गई जतिया ना, जवानी ऐसी चीज भूल गई जतिया ना, जवानी ऐसी चीज भूल गई। तो दासी कहे कहा लमान, अरे रानी खोवा ना ईमान, होए जिंदगी ना काम यही दतिया ना, होए जिंदगी यही दतिया ना, होए जिंदगी ना काम यही दतिया ना, होए जिंदगी ना काम। दासी तो नीक समझावत बे भैया, लेकिन दासी के बात रानी के समझ मा ना आवत बा भैया। लेकिन हुआ क्या ए भैया, रानी गई जीतिया, रानी गई जीतिया, अरे पूरन मन से दया मिलाए, नाही तो दे भाई देवाई भोरे फांसिया ना, नाही तो दे भाई अब देखें फुलंदे रानी दासी के बिगड़ गई। अगर न पूरमल का बलाय देबू तो हम हो सवेर तुम्हें फांसी दिवाई दे। तो खाल खींच भूसा भरवई बे, अरे नंगी महलों बीच न चैबे, राजा से करैबे तोहरी संसतिया ना, राजा से करैबे सुन के दासी भैया घबराएगी, सोचत बा अगर बलावे न जाब तो मामला फंस जाए। लेकिन भैया देखा दासी बेचारी आंखों में आंसू आ गया, लेकिन रात के समय बा अब देखा भैया पूरा मल का संदेश देवे जात का कहना है कि सुन के रानी के फटकार, अरे दासी करने लाग विचार, हो गए जाने को तैयार, फिर गए मातिया ना, हो गए जाने को फिर गए मतिया दासी के भय चलने को तैयार, सुना पहुंची जाई कि कमर में पूरन के हल गए खोल के मार, सुना पासा खेल रहे पूरन संग माली बार दुलार, सुना हाथ जोड़ के खड़ी भी दासी रोवे छोड़ी भुकार, सुना बतिया कहां लगी है पूरन मल सरदार, सुना तुहें बुलाए रही महलो माँ मौसी आज तुहार, सुना नाय उम्मीद दिया है बचने का रानी पड़ी बीमार, सुना चल के देख दिखाई अवा फिर काह करें करतार, सुना पासा पूरन मल भय चलने को तैयार, सुना हाथ जोड़ माली के लड़का कहे बात मोरे यार, सुना जब से मौसी तोहार भैया आई है ससुरार, सुना तब से तू का महलो माँ बुलवाइनी को बार, सुना पूरन कहे कि अब ही ले हम भयन नाय दीदार, सुना
माली के लड़का माना राय हमारा सुना नाय बुलाई महाराज का चिंता ही है अपार। रात समय 10 बजत यहाँ भैया कुछ करा विचार कर से मूड पकड़ के फूलन दे पछीता। देखे भैया मालिक लड़का समझावत बा लेकिन पूरनमल मानत ना है, अपनी मौसी से मिले जाता है और कैसे जाता है। मालिक लड़का समझावे पूरन एक मने ना लावे झट बेदुल का सजवावे चले मौसी से मिले काया धीरा। चला मिलने घोड़ा को तुर सजाया है फेटा कटार पूरन बांधे घोड़ केड़ लगाया है यहरी हाल सुना रानी के बढ़िया ठाट बनाया है तोसक तक या पलंगे पे फूलवन से सेज बिछाया है नंगी तस्वीर या रानी महलों बीचे टंगवाया है। मीसी मेहंदी हाथ रचाया है कमर कर धनी पांव पैजनी नथनी नाक झुलाया है अगुरी अगुरी मुदरी पहिरे हीरा रतन जड़ाया है। कांच की चूड़ी जड़ा नगीना सीना शराब छलकाया है नैनन कजरा ढरा सांच में गले हार लटकाया है एक तो चढ़ी जवानी दूसरे चुन चुन रंग बनाया है आधे अंग के कसे बिलामज खुला अंग दर्शाया है। ऐसन साड़ी महारानी के यंग यंग पड़े लखाया है जैसे रंभा उतर महल में काम रूप दर्शाया है लखेरा पूरन के जो सो तेला पुत्र कहाया है पहुँचे पूरन मल घोड़े से उतर द्वार पे आया है खोल किवारी गए भीतर तो ठाट देख घबराया है। हाथ जोड़े पूरन पूछे क्यों मौसी हमें बुलाया है तू तो रही बीमार पड़ी यह दासी ने बतलाया है बड़े ठाट से बैठी यह महलों को खूब सजाया है। रात समय 10 बजत यहाँ क्या कारण समझना। पूरनमल सुने कि मौसी हमारी बीमारियां हैं चल के देख आई भैया लेकिन जब उनके कमरा में पहुंचत है तो उनके ठाट बाट देख के भैया पूरनमल घबराएंगे। अपने मौसी से कहता है मौसी का बात बा तबीयत ठीक बा कि ना इदासी बताईस कि तू बीमार पड़ी है। तो भैया इतना बतिया सुनते फूलंदे रानी देखा कैसे बोलत ही हो और इतना शौक सिंगार के हैं भैया तो लटका में कहना है हंसी के कहे फूलंदे रानी अरे तू का सौंप दे है जिंदगानी लूटा मौज करा मनमानिया कवारी ना लूटा मौज करा मनमानिया कवारी ना लूटा मौज करा मनमानिया क मौसी हमें कहा ना जवान उनके बीमारी भैया जब पूरे मल के देखी तो दूर होगी का कहते ही कि मौसी हमें कहा ना जवान अरे हंस के कहा हमें दिल जान जियरा तू पे कूर बान लिया निहारी ना जियरा तू पे कूर
तो सब कुछ से जिया पे तैयार। अरे चल के साथे करा पहाड़ भैया किया हमार मतवारी ना भैया किया कहीं बीमार तो जरूर रहे लेकिन जब तुम्हें पाई गए तो सारी बीमारी दूर हो गई भाई अखिया हमार मतवारी ना। ए भैया जब पूरन मल ई बात सुनत है भैया तो घबराई गए। ए पूरन कहां लगे फटकार, पूरन मल भैया बिगड़ गए अपने मौसी के डांटे लागे। पूरन कहां लगे फटकार, अरे सुन ले तै पागल मकार लागो बेटा वा तो हर महतारी ना लागो बेटा वा अरे पूरन मल की आंखों में आंसू आई गए कहे तू हमार महतारी हुआ और तोहरे सवत का लड़का है और हमारे ऊपर ऐसन नेत डिगावत हूँ माता ई ठीक ना बा लागो बेटवा तोहार महतारी ना तोहरी मतिया के बउराए अरे आधी रतिया हमें बुलाए नेत बेटे पे डिगाए मती मारी ना नेत बेटे पे नरको माना मिले ठिकाना अरे बेटवा भतीज तू पहचाना माता मोर कहनवा माना ल्या बिचारी ना माता मोर कहनवा तो तोड़ा ना बेटे से नाता अरे तू है पूज हमारी माता जन्म दाता यही सवती तुम्हारी ना जन्म दाता यही पूरन मल भैया बहुत तरह समझावता है अपने मौसी का लेकिन उनके मौसी मानत ना है फिर का करते हैं भैया रानी फूलन दे फिर बोली रानी फूलन दे फिर बोली अरे लागत यह कलेजे गोली फाटे चोली करा दूर दिगदारी ना फाटे चोली करा तो चढ़ी जवानी टूटे अंग चढ़ी जवानी टूटे अंग अरे चल के सोवा हमरे संग चढ़ाया किया पे रंग ल्या उतारी ना चढ़ाया किया पे ए भैया चला जवानी कह रचा खा अरे हमसे वेद पुराण न भाखा मन के मन ही में राखा बनिया नारी ना मन के देखा फुलंदे रानी भैया थोड़ा सा उदाहरण देते ही इतना भक्ति में नयावा कहना है कि मन के मन ही मेरा खा बनिया नारी ना तो देखा उदाहरण का देते ही टूटा बड़े बड़े कै माला टूटा बड़े बड़े कै माला अरे आसन देव राज कै हाला काम के बस में डमरू वाला त्रिपुरारी ना काम के बस में के काऊ बताई अरे विश्वामित्र मुनि ऋषिराई गाए भोग मा भुलाई तप भारी ना गाए भोग मा तो नारद ब्रह्मा ऋषि कहलाए अरे नारी तैया हंसी कराए मोहन गोकुला में बाने मानी हारी में ना मोहन गोकुला में मानी हारी ना मोहन गोकुला में बाने
ब्रह्मा के सुना कहानी। अरे ती संतन महाराज की रानी, उनकर लूटे पति पानी बन मझारी ना, उनकर लूटे पति बहुत समझावते हैं भैया कि बड़े बड़े ऋषि महात्मा परेशान हैं, सब देवी देवता है हम परेशान हैं, तो तोहार कौन औकात बा। लेकिन पूरन मल कहत है माई सुना हम ये न करब। पूरन कहें पकड़ के मात, अरे भो करब ना तोहरे साथ, जोड़ी हाथ दिया माह से निकारी ना, जोड़ी हाथ दिया देखा मजबूर होई के। एक बात और बतावत है कि तुहका इतना काम सताई, तुहका इतना काम सताई, अरे हमरे पिता के लिया बुलाई, दई है अगिया बुझाई दुख टारी ना, दई है अगिया लेकिन ना मानत ही रानी जबरन पकड़ कलाई। अरे पूरन मन से गए लपटाई, जाए पलगे पे गिराई बरियारी ना, जाए पलगे पे जबरदस्ती पूरन मल का पकड़ के पलगे पे पटक देते ही। तरानी पकड़ी भरी अकबार, अरे तन से साड़ी दहली टार, शायर लिखत गए हारी खिलारी ना, शायर लिखत गए तो पूरन झटका दई के भागे। पूरन एकदम सनपात के बाबूजी और तुरंत झटक पटक के भागत हैं। तो पूरन झटका दई के भागे, अरे जाई कमरवा खोले लागे, रानी आए खड़ी भय आगे मानो मारी ना, रानी आए खड़ी भय तो रानी कहां लगी कर जोर, अरे इच्छा पूरी कई दा मोर, पूरन भागे जैसे चोर खोल के मारी ना, पूरन भागे जैसे खोले जब क्यवार, अरे रानी पकड़ी भरी अकबार, ली फेटायो कटार का उतारी ना, ली फेटायो पूरन मल जब जाए लगे बाबूजी तो उनके फेटा और कटार उतार ली। लेकिन पूरन मल ख्याल ना करता है, संपात के बाबूजी भाग के निकल गए। ए भैया ली फेंटायो कटार का उतारी ना, पूरन ख्याल कहे ना मनमा, अरे फौरन पहुंचे अपने घर मा, रानी सोचे अपने दिल मा बेदुखारी ना, रानी सोचे अपने बेदुखारी ना, रानी सोचे अपने दिल मा भय पूरमल भैया भाग गए तो रानी बड़े दुख में हो गई। उनके सपना पूरा ना भा, उनके मनसा पूरा ना भय, तो देखा भैया रोवत ही और अकेले भवन में सोचत ही और पूरमल का तरपासत ही। कैसे बाबूजी कहना है, अरे राम भवनवा में सोचे रनिया, धोखा दई के हमका भाग बेईमानवा, भवनवा में सोचे रनिया, जय हो, धोखा देंगे राजा भागा।
देखा भैया कैसे पछताते हैं। के का सौंपी चढ़ी जवानी अंग अंग काम सतावे, अरे कैसे तपन बुझाई दिल का, अरे बुढ़वा से जना गावे पड़ा पलंग पे कीर्तनियो पुराना भवाना में सोचे रनिया। सोचते हैं कि बुढ़वा के कारण हमारी जिंदगी बेकार हो गई। ए भैया, और देखा पूरन मल का का कहत हैं कि जैसे चला गया पूरन मल आज हमें बिसराई, अरे वैसे भोर हो तुमका फांसी पे देव झुलाई दे गवाही दासी की हा कुकरमा भवाना में सोचे रहिया। होत भोर राजा से कहबे लूटे धर्म हमार, अरे यहाँ निशानी साथे हमारे, अरे फेंटा और कटार हाजिर करबे है राजा के समाना भवाना में सोचे रहिया। देखा भैया बड़ी गलान भय, और रात के समय बाद तुरंत दासी का बुलावत ही, और दासी का बुलाए के समझावत ही, तुरंत बुलाए कहे दासी से फूलन दे समझाई, भोर हो तो राजा का लावा, अरे तू दे दिया गवाही कहिदा जबरन लूटे पूरन मली माना भवाना में सोचे ये प्रकार से भैया दासी के बुलाए के रात का समय है समझावत यहाँ। कैसे समझावत हैं भैया? जबरन आए पूरन मल महलो मा आधी रतिया हो, जबरन आए पूरन मल महलो मा आधी रतिया हो, फाटी पड़े रानी के ऊपर बहुत कहे ससतिया हो, भई बिबस रानी चिल्लानी दौड़ो खोल के मरिया हो, तब पूरन महलों से भागे यह कहू तू सकिया हो। पूरन महलों से भागे यह कहू तू सखिया हो, मुह मागाई नाम देवियो भूलब ना इलकतिया हो, यतनो पे जो पिया नो मन है दूसर बाहिक मतिया हो, फेंटा कटार छोड़े बाटे पूरन मल यह रतिया हो, यही किसिम से फूलन दे दासी से करती बतिया हो। दासी चली महलों से आगे कहा बुछानी के बतिया, चला मौसी से मिले का आधी,
भैया देखा रात के समय पूर्णमन संपात के अपने कमरा में पहुंचे, लेकिन हरि त्रिया चरित्र रच दही भैया, त्रिया चरित्रम दयो न जानम, ये फुलंदे रानी बाबूजी दासी का जबरदस्ती भेजती हैं। अब दासी संदेश लेके जाती बा महाराज शंखपति के पास और कहना है हाय दासी पहुंची है दरबार, बोली सुन लीजिए सरकार, रानी पड़ी है बेजार, चलिए महारानी ने किया आपको याद, किया आपको याद, चला महलों में रानी बुलवाई, तुरंत उठे दरबार से राजा चिंता अपार गए छाई, बैठे घोड़ पे शंखपति सोझे महलों का ताकाई, गए फुलंदे के अंटा पे दासी फाटक खुलवाई, खोल क्वारी गए भीतर तब देख दशा गए घबराई हा, जब तक राजा के बलाए के दासी आवत गया तब तक देखा ये कैसे नखरा कहे हैं भैया, ए भैया खोल क्वारी गए भीतर तब देख दशा गए घबराई, साड़ी तन के फटी रही ओ यंग यंग पड़ता लाखाई, टूट बंद चोलिया के देखे पूटी चुरिया चितराई, लाल गाल पे दाग पड़ा जस्याम सुगनवा जुठियाई, काजर वही गाने नन के भाई लालू उठ गा झूराई हा, थुनी नो गड़ा भाई, दशा खराब है रानी के गोर बदन कारी छाई, राजा पूछे महारानी से कहां से गैया फते आई, जल्दी हाल बतावा रानी के कर काल गवाया ही है, राजा पूछे महारानी से कहां से गैया फते आई, जल्दी हाल बतावा रानी कर काल गवाई, रानी कहा सोच ला राजा सुन के जादा भूलाई, तोहरे लड़का पूरन मलई हाल हमारी कह डाई, माधो राम के दहने सारद बैठी आसन जामाई हा, पाल छबिलाल सभा में गावे सबसे शीस झूकाई, राजा संगपति भैया जब पहुंचत हैं तो उनके ये बाबूजी सिंगार बिखरा बा, आंखों में आंसू बा, साड़ी फटी बा, काजल बहावा, इतना नखरा बनाए हैं भैया की का बताई। अब जब राजा पहुंचे तो देख के घबराइए, तो पूछत हैं कि तुहारी दुर्दशा के की, तो फुलंदे रानी रो रो के बाबूजी बतावत हैं और का बतावते कारवा दुनिया, हरे राम हो आधीरतिया, हरे राम आधीरतिया, लूट पूरन मलई मानवा आधीरतिया, पूरन मलि मनवा अधीरतिया और तोरे चोली के बंधान देखा भैया कैसे सफाई देती हैं कि हमार गलती कौनो ना बा,
आधी रात की समय में बालम सोई रहो सजरिया, वही समय माँ पूरन आए, अरे हल गए खोल क्यारिया, डरिया लागी ना सजानो आधी कहे जोन तो हर लड़का पूरन मला है, वही हमारी दुर्दशा कहे। इतने ना सुना, हाथ लगाई देहे सीने पर पूरन मल बे खटके, हमें दबाई लेहे करवामा, अरे पकड़ कमरिया झटके, पटके माझरे या गानवा बचावे तैया पिया गैन जिदियाई। तो बात सही है कहा तही, चाहे वह सोच लिया चाहे यह सोच लिया, कितना बढ़िया सफाई दे तही कि आपन धर्म बचावे तैया पिया गैन जिदियाई। एक बात पूरन ना माने, अरे बहुत भांति समझाई, पाई हम कहां ठिकानवाया धीरतिया। किलाया मगिया भरा से धुरवा, ऐसन कपूत जन्म ले दोहरे, अरे सीखे यहां सहुरवा, खाए महुरवा दे बेजानवा घर में साजन पाले बाट सारस्वतिया, अरे राजन हमारे कारण आपन ले लिया गहनवाया जोन सिंगार बचा रहा भैया, वो कुल फेंक फाक के कहा तो अब हम तोहरे घर में ना रहा, अब हम जाते ही हमें नैहरे पहुंचाए दिया, तू अपन बेटवा देखा और अपन घर द्वार देखा। अभी बतिया जब राजा शंखपति सुने भैया तो घबराइए, अब उनके विश्वास ना पड़त बा, कहे से कि पूरनमल भक्त रहे भैया, पूरनमल कैसन चरित्र रहा बाबू जी, जौने से राजा के विश्वास ना पड़त बा। तो देखा रानी का डांटे लागी, उनकी जान को हो सकत गलत बोलत हुए, बोलत तो गलते हैं भैया, लेकिन राजा का कहता है, अरे सुनी सुनी बतिया महारानी के, अरे सुनी सुनी बतिया महारानी के, अरे राजा गए घबराए कहे रानी बनायू न खरवा ना, अरे रानी बनायू बिगाड़ दिए पूरन रानी,
अरे बरसे सरग से पथरवा नारानी बरसे पथरवा नारानी बरसे सरग से पथरवा राजा कहे महारानी तू गलत बोलत यहा पूरन मल हमार बेटा भक्त बेटा है ऐसन गलती कबहु न करे अब अगर नेत खराब करे तो स्वर्ग से पाथर गिरे लागे अरे पूरब से सूरज उदय हुए पश्चिम अरे पूरन करे ने अस कसूरवा नारानी पूरन करे ना रानी कहिए का हम पहलन जानत रहन कि तोहरे विश्वास न पड़े अगर हमरे कहे से विश्वास ना पड़े तो दासी का बुलाई के पूछ लिया अरे रानी कहे पूछा दासी से राजन अरे देखी तोहरे पूत कहे सहुरवा ना देखी तोहरे पूत कहे माना परे इता बरवा ना तोरे दिल माहा इता बरवा ना तोरे दिल मापारीना अरे सजिया से हम का उठाया कुवरिया मा अरे सजिया से हम का उठाया कुवरिया में अरे लाई पड़ के मझरे या गानवा नाराजन लाई पड़ के चोलिया के बंदा तड़ा तड़ा तोड़ी दे हर पूछे आंख कई कजरवा नाराजन पूछे आंख अरे जौनी समय दासी पहुंची पिया पूरन भागे छोड़ हथियारवा ना पूरन भागे के हजुरवा ना भैया धरी महा के भैया वह जोन भाग गए रहे रात में फेंटा कटार छूट गया रहा रानी जबरदस्ती छो ले रही वह लाए के पूरमल के निशानी बाऊजी राजा के सामने धरत ही ए भैया अरे फेंटा कटार जब पूरन के देखें अरे हिला महाराज के कर जवाना भैया हिला महाराज के कर जवाना भैया हिला महाराज के परिगा यकीन महाराज के दिल मा हरे आई रहा पूरन भी तरवा ना भैया आई रहा पूरन अरे मुंह से बकरिया न राजा के फूटी बैठ गए धई के कपरवा ना भैया बैठ गए जब फेंटा कटार देखे भैया तो राजा के विश्वास होइगा अरे उठे महाराज पूरन का बुलावे अरे दह कई कलेजे अंगरवा ना भैया दह के कलेजे अरे पौते खबरिया चले पूरन मलवाए पिता के अपने हजूरवा ना भैया पिता के बताओ बद करवा ना कहे ता
तोहरे का परवाना पाजी पाप चढ़ा जब राजा डांटे लागे पूरन मन से पूछे लागे तो देखा पूरन मन रोवत है। अब रोए रोए कहत है कि हमार कोनो गलती अरे पूरन कहा है पीता हुआ ना नाराज अरे करा कुछ अपने दिल मा बिचारवा ना करा कुछ अपने दासी का भेजी के हमें बुलवाई अरे कहीं चढ़ा बाटे वो खरवा ना बाबू कहीं चढ़ा परेशानी कि आधी रात के समय में मौसी से मिले जरूर आए रहन लेकिन दासी के द्वारा हमें खबर दे के बुलवाई कहीं बुखार चढ़ावा बीमारी है तो आधी रात मौसी से मिले आए रहन देखे आए रहन और आगे हमार कोनो कसूर रानी बगल में रहे बाबूजी डांट लही अरे रानी कहे पूरन झूठवा जो बोलिया अरे रानी कहे पूरन झूठवा जो बोलिया अरे खींच लिया अब जिभिया पहरवा ना पाजी खींच लिया अब जिभिया कहीं पाजी रात में हमें कितना परेशान किया ओका हम ही जानत ही अगर दोबारा बोलब्या तो जबान खींच ले बिजिया पूरन जो बोलब्या बात बनाई ना किहा बेइज्जत आधी रतिया हमका समझ पराई रानी कहा ती प्राणना तो हम खाई जहर मर जाई ना मुहना देखा पूरन मल के हमें कलंक लगाई ना कहीं जहर खाए के मर जाब राजन लेकिन है पापी की आज से मुंह न देखा ए भैया शंखपति दरबार में पहुंचे हुकुम दे फरमाई ना फांसी होए पूरन मल का राजा दे सुनाई ना रोवे पूरन मल महलो मा विधना गए टढ़ाई ना केऊ सहारा ना दुनिया मा के मोर दिए गवाही ना चलिए महारानी ने किया आपको शंखपति दरबार में पहुंचे बाबूजी हुकुम दे दे हैं कि पूरन मल का फांसी होए अब पूरन मल बाबूजी रोवत हैं क्यों आगे पीछे सहारा दे वाला ना बा न तो क्यों गवाही दे वाला बा तो कहना है कि पूरन रोवे छोड़ी भोकार दुश्मन बन गए पिता हमार मौसी बोई दी अंगार जाई कहां सुनाई हम दिल की फरियाद अब बाबूजी फांसी को हुक्म होएगा प्रजा सब परेशान हैं लेकिन ये मालिक लड़का जाए कि उनके महतारी से बतावत बा तो देखे बाबूजी हुआ क्या विधि जो खींचे माथ लकीर होता जोन लिखा तकदीर राजा लिखत हैं तहरीर नीर नैनों से पूरन के बहता बहे नीर नैनों से पूरन रोवे पीट पीट मथवा कसा बदन जंजीर में बाटे बधाया है दोनों हतवा अरे विधाता कवन भूल भा कौन जन्म के रहा पपवा
दुश्मन बन गए पिता हमारे, अब के कहता की स्वाहा। हाल बतावे अम्बा दे से जा एक माली के बेटवा, आज दई दे पूरन मल का राजा फांसी के सजवा। सुनते पागल भय अम्बा दे दौड़ी पीटत के मथवा, पहुंची है दरबार में रानी शंखपति जी के अगवा। हुचकी मार के रोवे रानी कहे जोड़ी दुनो हथवा। जब अम्बा दे सुनी भैया कि हमरे बेटवा पूरे मल्क फांसी के आदेश होई के बाद, तब बाबूजी रोवत के दरबार में पहुंची। राजा शंखपति के सामने देखा रोवत हई और अपने बेटवा के क्षमा मांगत हई। लेकिन लटका धुन में कैसे बाबूजी? रानी रोवे लट छितराए, अरे पूरन कवन भूल कई राए, बाटा फांसी पे चढ़ाए मुर सजा नवाना, बाटा फांसी पे तो पूरन कवन भूल कई डारे। अरे बोला बोला पिया हमारे जी, अब हम के करे सहारे, बिन लाला नवाना जी अब हम के करे है। बिन लाला नवाना जी अब हम के करे सहारे, बिन अम्बा दे रानी रो रो के राजा शंखपति के चरणों में गिर के भीख मांगत हैं कि जी अब हम क्या करे सहारे बिन लला नवाना। राजा कहे सुना महारानी, अरे कायम रही है जो जिंदगानी, जन्म बहुत पुत्र बरदानी यही जाना मवाना, जन्म बहुत पुत्र हिस्सदागी कुल के ताज बेसरा मवाना की, हिस्सदागी कुल के बेसरा मवाना। तो रानी कहे लगी बिलखाई, अरे मागो भीख कोछ फैलाई, पिया दिया लौटाई मर सुगा नवाना, पिया दिया जी अपना नाथ। हरे काटा ना बेटे के मात, छूटे साथ हम गवाई दे भाई जानवाना, छूटे साथ हम बहुत चिरौरी करत हैं भैया, लेकिन राजन मानत ना है। तो राजा कहे करब इंसाफ, अरे करबे ना पूरन का माफ, तू है साफ बताई कई लिया यकी नवाना, तू है साफ बताई यकी नवाना, तू है साफ बताई कई लिया यकी नवाना, तू है साफ बताई कई लिया। तो पागल भई अम्बा दे रानी, अरे सवत के गोड़वा पे भहरानी, बहनी कई दा मेहर बानी तू रहा मवाना, बहनी कई दा मेहर जाए कि पुलंदे रानी के चरण में गिर के अम्बा दे रानी रोवत हैं। कहे बहनी कैदा मेहरबानी तू रहा मवाना, बहन ना छोड़ा नैन पुतरिया, अरे मर जा तरब तरब महतरिया, मारा बरु कटरिया हमारे गर्दा नवाना, मारा बरु कटरिया का जो
विध्वंस। अरे बहन ना करा हमें निर्वंश, दोनों के बीच एक अंश बानी सानवाना, दोनों के बीच कहीं दोनों जने के बीच में एक निशान बा, अगर बेटवा हमार खत्म हो जाए तो जान ले एकदम विध्वंस हो जाए। बहन माफ कह दा, लेकिन फुलंदे के भैया तनिको रहम ना आवत बा। ए भैया अम्बा देरानी का डांटत ही का कहत ही, कहे फुलंदे सुना सवतिया, कहे फुलंदे सुना सवतिया, अरे इनका देख जलत बा छतिया, बिना दवाए फसिया ना करबई भोजनवाना, बिना दवाए बचैना पई है, पूरन आज बचैना पई है, अरे तबले चैन न हमरे यही है, जबले पहिर न लई है पूरन मलका फानवाना, जबले पहिर न लई है तो पूरन कहे सुना महतारी, पाप ना दयो धर्म बिसारी, भई तैयारी निकले पिजड़े से सुगानवाना, भई तैयारी निकले पिजड़े। फुलंदे रानी कहती हैं जब तक ये कफन न पहले हैं तब तक हमरे चैन नायबा अम्बा देरानी और रोए लागी, तो पूरन मल अपने माई के गोद में लेके समझावत हैं कि माई तू चिंता मत करा, हमार समय आएगी बा, और हमें लागत बा कि हमें क्यों बचाए वाला ये दुनिया में ना बा, तो माई चिंता ना करा। देखा अपनी महतारी का पूरन मल बाबू जी कैसे समझावते हैं, तेरी के भाव में कहना है। हरे राम नगरिया में क्यों ना अपना, पूरन कहे लगे ना रोवा महतरिया, नगरिया में क्यों ना अपना, बोले क्यों तू नीर बहाए, कजासी से पहनाचे हमरे क्यों बचाई ना पाए, जाए एक रोज सब तज के महलिया टरिया नगरिया में क्यों ना अपना, एक दाऊ गले लगावा, निकल पिजड़ा से सुगना अब लालन का बिसरावा, माता के मेटे जो लिखाया है तकदीरिया नगरिया में क्यों ना अपना, एक बात और कहता है भैया, हमारी तैया रोब धोब सब कुछ बा बेकार, अरे फिर ना मिलब दोबारा माता, अरे सुरपुर यही तैयार, हमारे हाथे गोरे पड़ी है जंजीरिया नगरिया में क्यों ना, हमारे हाथे गोरे पड़ी है जंजीरिया नगरिया में क्यों ना।
अफसोस माई है कि मूड़े लाग कलंक। आहे के अफसोस है माँ कि मूड़े लाग कलंक। लेकिन हम निर्दोष यही माँ हर यही से यही निसंग। मौसी बन गई है पाप के गठरिया नगरिया में तो ना ये भैया अपने माई के समझावत है कि माई चिंता तो जरूर बा लेकिन एक खुशी बा कि हम निर्दोष ही। कलंक हमारे ऊपर भले लाग लेकिन हम निर्दोष ही। ए भैया भई बिहोश अंबादे रानी किरी पछाड़ा खाए। राजा बोले पूरन का फांसी पे दिया झूलाए। फेंका लाश जाए कुआं की भितरिया नगरिया में क्यों ना राजा हुकुम दे दे कि फांसी दे के पूरन के लाश कुआं में फेंक दिया जाए। लेकिन बाबूजी पूरन इतनी बात जब सुने तो देखा रोवे लागी तो अपने पिता से का कहता है देखा भैया जेके फांसी हो एक समय आवत है उसे पूछा जाता है कि तुम्हारा आखिरी इच्छा का बा कैसे मिले चाहता है काव खाए चाहता है भैया उसे पूछा जाता है। तो पूरन मला अपना आंतरिक इच्छा बतावत है लड़का में का बतावता है हरे यतना सुनते पूरन के हरे यतना सुनते पूरन के। अरे भाई अब तो छूट रवाई कहें लसिया दिहा दफनाई ना पिता लसिया दिहा दफनाई ना पिता लसिया दिहा दफनाई ना पिता अरे मरने की बेरिया आई गई हमारी अरे दया हमारे यार से मिलाई ना बाबू दया हमारे यार से है अरे मालिक लड़का का दिया बुलवाए अरे मालिक लड़का का दिया बुलवाए ले एक दाव गले से लगाई ना ले एक दाव कहे हमारे दोस्त मालिक लड़का का बुलवाए दा हम मालिक लड़का से एक दाव मिल ले हमारी है आखिरी इच्छा बा। ए भैया तुरंत आदेश होएगा अरे मालिक लड़का समनवा जो आए हर मालिक लड़का समनवा जो आए लेह पूरन गले से छपटाई ना लेह पूरन गले से छपट के भैया दोनों जने रोवे लागे। और पूरन मलका कहता है हरे बतिया तोहार यार मानन ना रतिया हरे बतिया तोहार यार मानन ना रतिया हरे काल हमें लेगा उठाई ना भैया काल हमें लेगा रोवत बा बतावत बा भैया रात में बहुत समझाया अगर तुहार बात मान ले हुई तो आज ही हमार दशा। मालिक लड़को भैया रोवत बा लेकिन समझावत बा अरे मालिक लड़का का हाथ हाथ जोर यार तू का उपाय हम बताई ना यार तू का उपाय हम मिठाई ना पहले राजा का दे अरे लई के कटार
पीछे चाहे मारी जाई ना भैया पीछे के बचाई ना भैया क्यों ना बचाई ना भैया क्यों ना सके बचाई दोनों मिलते हैं भैया लेकिन पूरे मन समझाएं कि भैया हो कौनो हम हमारे गरियावे की जरूरत नहीं ना हमार काल आई के बाद यहाँ क्यों हमें बचा न सके भैया तू जाए अपने घरे दोनों मिल के गले से मिल के रोए के बाबूजी कहत है क्यों ना सके बचाई भैया पूरन मल बतलाए सुना हुकुम दई दे महाराज दो फांसी पे लटकाए सुना फांसी हो गए पूरन मल का प्रजा सब चिल्लाए सुना होई गे पूरन मल का प्रजा सब चिल्लाए सुना पूरन मल कैलाश देहे या कुआना मा फेंकवाए सुना आंख निकार जल्ला दई देहे हैरानी का पहुंचाए सुना तुनों अखिया पूलन दी है गोड़वा से लतियाए सुना जौने कुआं पे पूरन मल कैलाश रहे फेंकवाए सुना वही कुआं पे गुरगोर के जमात पहुंची आए सुना लाश निकाले कुआना से गुर देखी रहे पछताए सुना अपने योग के बल से फिर पूरन का देह जियाए सुना जल्ला दे भैया लाश फेंक के कुआना में जब वापस आवत है तो संजोग देखा वही कुआं पे गुरु गोरख के जमात पहुंच गए एक चेला पानी भरेगा भैया लाश देख के घबराई गया आए के गुरु से बतावत बा तो गुरु मिल के बाबूजी जब लाश को निकाला गया तो लाश एकदम ताजी बा अपने योग के बल से गोरख गुरु फिर पूरा मलका जिंदा कह दे कहना है लाश निकाले कुना से गुरु देख रहे पछताए सुना अपने योग के बल से फिर पूरन का देह जियाए सुना पहले भाग के किस्सा माधो राम लिखई अर्थाए सुना जाओ शारदा वतन पे अपने समय पे ले बबुलाए सुना शारदा वतन पे अपने समय पे बुलाए सुना गोरख गुर के गोड़ पे परे पूरन मल भराए सुना जिंदा हो गए पूरन मल गुर गोरख भय सहाय सुना पाल छबिलाल सभा के अंदर बिरह रहे सुनाए सुना नीर नैनों से पूरन के बहता गोरख गुरु भैया पूरे मल का फिर जिंदा कह दे जैसे आंख रही वैसे शरीर रही जैसे वैसे फिर हो गए और नहीं गोरख गुरु के साथ में चेला बन के बाबूजी पूरे मल चला जाता है तो उनके धाम का उनके स्थान का लेकिन कहना है कि जे के जग में सही ईमान ओ के रक्षक है भगवान पूरन लिया गुरु से ज्ञान रात दिन सेवा में गुरु के रहता